पतंगबाजी हो रही है बहुत तगड़ी है। देखो कितनी सारी पतंगे उड़ रही हैं यहाँ पे, देखो ठीक है। और यहाँ पे देखो कितनी सारी पतंगे उड़ रही हैं, एक वो पड़ी, एक ये पड़ी और एक ये पड़ी। सबसे पहले हमारे टारगेट ये, इसे निकालेंगे ठीक है भाई। देखते हैं आ पाती है नहीं आ पाती है पतंग, काले कलर की है पहले, उसके बाद ये। तो हेलो दोस्तों, भाई आज उतारने वाले हैं हम ये जो नीचे ऐसे पतंग बड़ी है। और भाई लंगड़ मैंने बना लिया है, ये कुछ कुछ मैंने हुक बांध लिया है भाई ठीक है। अब मैं हुक को घेरने वाला हूँ नीचे और देखते हैं भाई ये हुक में इसके तिल्ले फंसते हैं या नहीं फंसते। भाई पड़ी तो ये पतंग उल्टी है, वैसे इसके अगर कन्ने ऊपर होते तो थोड़ा हमें आसानी होता उतारने में, मगर यार इसके कन्ने नीचे पड़े हुए हैं, ऐसे आके गिरी है और ये एसी के ऊपर पड़ी हुई है भाई, मैं आपको बता दूं। और भाई एक बार ट्राई करके देख लिया, नहीं आई अब मैंने सीख की तिल्ली भी बांध दिया साथ में, क्योंकि सीख की तिल्ली में तिल्ले फंस सकते हैं प्यार से, तो इसलिए मैंने सीख की तिल्ली मार बांध के भाई एक बार ट्राई कर रहा हूँ घेर के, क्या पता इससे आ जाए। और इसकी डोर भाई बिल्कुल नहीं दिख रही, ऐसे लग रहा है कन्ने से कट के गिरी है बिल्कुल ये पतंग ठीक है। एकदम बिल्कुल ऐसी जगह पर पड़ी हुई है, नहीं आना इसका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मेरे को तो। और भाई बहुत ज़्यादा देर हो रही है यार इसको लंगड़ मारते मारते ना, आज भाई बहुत ज़्यादा पतंगे उड़ रही थी और बहुत ज़्यादा पतंगे आके गिरी हैं। और दोस्तों अब की बार दोबारा ट्राई करके देख रहे हैं भाई, क्या पता इस बार सक्सेसफुल हो जाए हमारा लंगड़। और भाई ये देखो हल्की हल्की पतंग पे गिरा पड़ा है बिल्कुल लंगड़ वैसे तो, अबे यार हल्का हल्का सा रह जाता है हर बार, हल्का हल्का सा रह रहा है। अगर इसके एक बार कन्ने फंस गए ना भाई मजा आ जाएंगे, उसके बाद तो ये पतंग हमारे पास आई आई जाएगी। एक तो ये पड़ी बिल्कुल दीवार के साथ में ही है ना, थोड़ी दूर पड़ी होती तो भाई हो सकता था इसके तिल्ले फंस जाते। और भाई एक और पतंग आ गई ये लो इसी बात पे। और भाई ये देखो यहाँ पे आके गिरी है, अब यार मगर ये उधर से पकड़ लिया एक अंकल ने, अबे यार अबे अंकल ने हमें ये वाली पतंग दे दी है भाई। और ये देखो हमने लंगड़ मारा है इस पर, अंकल ने ऐसे हल्के हल्के उड़ा रहे थे तो मैंने उसमें लंगड़ मार रहा हूँ। और भाई ये देखो अब की बार मैं एक बार और लंगड़ मारने वाला हूँ। और भाई ये देखो हमने लंगड़ मारा और इस बार ये पतंग आ जाएगी। और भाई अभी से खींचते हैं, ऑरेंज कलर की पतंग है एकदम से कट के आने लगी, तो मैंने वो वाली पतंग छोड़ के भाई इस वाली पतंग। थैंक यू। ये देखो भाई कितनी बढ़िया पतंग है और ये अभी अभी कट गई है। और भाई ये भी चाइनीज मंजे से उड़ रही है भाई, इतना ज़्यादा चाइनीज मंजे उड़ रहा है ना, सभी बंदे चाइनीज मंजे से उड़ा रहे हैं। ये देखो चाइनीज मंजे से इसके कन्ने बंदे पड़े हैं दोस्तों, और भाई पतंग भी चाइनीज मंजे से उड़ रही है। और भाई ये आ चुकी है आज हमारे पास एक पतंग, और अब दोस्तों दोबारा से मारते हैं इस वाली पतंग पे, काली वाली पतंग पे, देखते हैं ये आ पाती है नहीं आ पाती इस बार ट्राई करके फिर से। और दोस्तों ये मैंने दोबारा से फेंक रहा हूँ लंगड़, और भाई ये गिर चुका है और देखो इसकी डोर दिख चुकी है दोस्तों हल्की हल्की, आपको भी डोर शायद हो सकता है इसकी दिख रही हो यहाँ पे। इसकी डोर है ना इस दीवार के साथ में ही है, मतलब उधर की साइड है इसकी डोर सामने। और दोस्तों देखते हैं भाई क्या पता इस बार आ जाइए। और भाई देखो लंगड़ जा रहा है जा रहा है, और देखो डोर में हल्का हल्का सा फंस रहा है टच होके बिल्कुल, और बार बार निकले जा रहा है डोर में से यार लंगड़। मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई करके देख रहा हूँ इसे हिला हिला के, ताकि ये उसके अंदर अच्छे से फंस जाए डोर। और एक बार अगर डोर फंस गई तो फिर ये देखो दोस्तों फंस चुकी है भाई इसके अंदर, ये डोर उठ रही है भाई पतंग उठ रही है। अबे यार उठ के भी निकल गई यार पतंग, पूरी नीचे गिर गई सेट, यार दिमाग ख़राब हो गया पूरा यार। ये देखो पूरी पतंग नीचे निकल गिर गई अच्छी खासी, पूरी डोर में लिपट गई थी मगर डोर मेरी डोर पर फिसल गई और ये वहाँ पे आगे गिर गई। और दोस्तों ये देखो कुछ कुछ अब मैंने दोबारा फंसाई है इसमें, इसके कन्ने सीधे हो गए थे तो मैंने कन्नों में डाली तो इसके कन्ने फंस चुके हैं। और दोस्तों अब खींच के देखते हैं भाई, ये देखो हल्के हल्के खींच रहा हूँ मैं इसे, हल्के हल्के भाई बहुत ज़्यादा हल्के हल्के खींच रहा हूँ। और ये देखो ये तार है यार बीच में, ये तार में ना फंस जाए बस, बस ये तार से निकल जाए यार, तार में अटकी अटकी। अबे यार तार में भी फंस रही है हल्की हल्की, घूम जा घूम जा। वो बहुत ही आप बढ़िया तरीके से हमने, हमारे लंगड़ ने हुक ने बहुत बढ़िया तरीके से काम करा, ये हमारे पास भाई पतंग आ रही है। और ये भाई अब तो अब नहीं घिरनी चाहिए भाई ये, अब ये हमारे पास आ गई। और देखो झाड़ू की तिल्ली और हुक कितनी अच्छी तरह फंस चुका है इसके अंदर। और भाई ये हमारे पास आ चुकी है आज एक और पतंग, और ये भी चाइनीज़ मंजे से उड़ रही है भाई, बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है ये भी चाइनीज़ मंजे से, वो वाली भी चाइनीज़ मंजे से, सारी पतंग चाइनीज़ मंजे से उड़ रही है भाई। ये देखो कितनी अच्छी तरह फंसा था हमारा हुक इसके अंदर। और भाई काले कलर की पतंग है, बढ़िया पतंग है बिल्कुल एकदम, जिसे कहते हैं ना टाइट पतंग, टाइट पतंग है बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और ये भी आ गई और एक ये आ गई, आज हमारे पास दो दो पतंगों का फायदा हो गया। और दोस्तों अभी देखते हैं ये वाली पतंग और निकाल के देखते हैं जो लाल वाली मोर पड़ा हुआ है, और दोस्तों इसमें भी लंगड़ डालता हूँ। और ये देखो लंगड़ वहीं गिरा है बिल्कुल, और ये देखो हल्के हल्के खींच रहा हूँ मैं, खींच रहा हूँ इसे भाई हल्के हल्के, और यार ये निकल गया हमारा लंगड़ शर्ट पूरा अटक के भी। लंगड़ जब निकल जाता है जब बड़ा गुस्सा आता है, दोबारा फेंका दोस्तों ये लंगड़। और ये देखो इस बार डोर फंसाई है मैंने हल्की हल्की सी, और आप खींचते हैं भाई अब की बार तो आ जानी चाहिए जहाँ तक है, अब खींच रहे। और भाई ये इस बार देखो निकलने वाली है, शायद निकलने वाली है, इसकी डोर भी उसकी तरह ना हो जाए काली वाली की तरह, कभी फिसल के नीचे गिर जाए या तो आ ही नहीं पाएगी फिर। और भाई ये देखो ये आ रही है आ रही है आ रही है,
और इसे अब हम खींचते हैं धीरे 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 धीरे, और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खींच रहा हूँ ताकि इसमें अगर हल्का सा भी झटका लगाना तो ये निकल के गिर जाएगी डोर दोस्तों, इसलिए बहुत धीरे धीरे खींच रहा हूँ। और दोस्तों ये हमारे पास पतंग आ चुकी है भाई, एक और मोर पतंग आ गई, आज हमारे पास तीन तीन पतंग आ गई अभी तक तो। और दोस्तों देखते हैं, और दोस्तों देखो भाई इसके कंधे उल्टे बांध रखे हैं यार, कोई बच्चा उड़ा रहा हो भाई इसे जरूर, पता नहीं ये कैसे ही उड़ के आई होगी। ये देखो उल्टे करने बांध रखे, पता नहीं उड़ी भी होगी या नहीं, ये कहाँ से गिरी है ये पतंग। और देखो ये कितनी अच्छी तरह फंसाई, ये भी चाइनीज मंजिल से थी भाई, और कट के ही आई है ये पतंग भी, हो सकता है ये उड़ गई हो, पता नहीं थोड़ी बहुत उड़ी होगी शायद, जहाँ तक है मैंने बचपन में कभी कभार ऐसे गलती करी थी भाई उल्टे करने बांधने की, पता नहीं उड़ती है या नहीं उड़ती, एक बार ट्राई करके देखेंगे हम भी कि उड़ेगी या नहीं। और दोस्तों देखो वहाँ पे एक और पतंग पड़ी है, उसे नहीं निकाल रहा, काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ी है, और वहाँ पे भी एक और पतंग पड़ी है मगर वो बहुत ज़्यादा दूर है तो इसलिए नहीं निकाल। और दोस्तों एक और पतंग आगे गिर गई है भाई, ये देखो काले कलर की पौनी पतंग गिरी है आके, कितनी ज़्यादा बढ़िया पतंग है। और ये देखो खिचड़ी है दोस्तों, मैं लंगड़ है ना जो हुक इसके अंदर फंस चुका है, इसके तिल्ले के अंदर खिचड़ी है भाई, खिचड़ी है, ये तो लग रहा है एक ही बार में आ जाएगी भाई। और ये देखो कितनी दूर से आ रही है, वो भाई बिल्कुल दूर थी और पास आ चुकी, अबे यार निकल गया, मेरे को लग रहा था एक बार में आ जाएगी मगर इसमें से यार लंगड़ निकल चुका है मेरा। और दोस्तों अब दोबारा से इसमें ट्राई कर रहे हैं भाई हुक फंसाने की हम, अगर एक बार हुक फंस गया इसके तिल्लों में, पौनी पतंग थोड़ी बड़ी रहती है तो हो सकता है थोड़ी इजीली हुक हमारा इसके अंदर फंस जाए। और गिरी भी ये भी पट गिरी है, इसके कन्ने ऊपर नहीं है भाई, इसके कन्ने नीचे हैं तो कन्ने तो इसके फंस नहीं सकते, इसके तिल्ले ही फंसाने की कोशिश करनी पड़ेगी दोस्तों। और हम निकाल लेंगे इसे, ट्राई कर रहे हैं भाई, ये देखो इसमें से हम बार बार इसके तिल्ले के पास ले जाके इसे निकाल फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि तिल्ले इसके फंस जाएँ कैसे भी करके, अगर एक बार तिल्ले फंस गए इसके फिर तो बहुत ही ज़्यादा इजीली आ जाएगी हमारी छत के ऊपर, मगर यार ये इतनी आसानी से फंस नहीं रहे। देखो बहुत देर हो गई यार ट्राई करते करते मेरे को ना, इसमें पता नहीं ये वाली पतंग आ पाएगी या नहीं, एक बार हवा चल गई अगर ये पलट गई ना वैसे दूसरी साइड से तो ये प्रयास है। और देखो दोस्तों पलट गई पलट गई, ओ भाई पलट के भी गिर गई यार वापसी से, हमारा लंगड़ फिर से निकल चुका है, एक बार अगर पलट जाती तो हमारे कन्ने इसके अंदर फंस जाते फिर बहुत ज़्यादा आसानी से, मगर यार ये क्या करूँ अभी इसमें दोबारा मार के देखते हैं यार, ये बहुत परेशान कर रही है वाली पतंग तो पौनी, ये एक और बार देखते हैं भाई, इस बार देखते हैं घेर के। और ये देखो इस बार फंस चुकी है भाई, ये देखो तिल्ला फंस चुका है इस बार इसमें, हमारा जो हुक था उनने अपना काम दिखाया, और ये देखो भाई तिल्ला इसके अंदर फंस चुका है, आ रही है आ रही है आ रही है, और भाई इसे भी धीरे धीरे खींचेंगे, और देखो ये लटक चुकी है भाई, खींच रहे हैं भाई इसे खींच रहे हैं, और ये आ गई आ गई आ गई, बस थोड़ी सी और रह गई है भाई। और ये देखो मैंने ना इसके अंदर नारियल वारियल का छिलका बांध दिया था, और ये देखो कुछ कुछ ऐसा लंगड़ था मेरा, और देखो तिल्ले कितने मस्त तरीके से फंसे हैं भाई, सुख का यही फायदा रहता है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों आज हमने तीन चार पतंगे लूट लिए, चार पतंगे लूट ली हैं ठीक है। और दोस्तों ये देखो ये भी चाइनीज मंजे से उड़ के आ रही थी भाई, और ये पौनी पतंग है, ये चार पतंगे हो गई जो हमने आज लूटी। और भाई दोस्तों आई होप सो आपको ये चारों पतंगे कैसे निकाली है मैंने आपको पसंद आई होंगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों 15 अगस्त आने वाला है भाई, केयरफुली पतंग उड़ाना ठीक है, गले पे कुछ बांध बांध लेना जब छत पे रहो तो, क्योंकि गर्दन वर्दन अगर कोई खींच के तेज मारेगा तो भाई गर्दन वर्दन कट सकती है, और हम ऐसी लंगर डाल के औरों की पतंग निकाल सकते हैं अगर अड़ोस पड़ोस में आके गिरे तो, भाई वो भी एक तरह से हमारी पतंग है भाई, हम उड़ाने वाले हैं क्योंकि अगर कोई बगल वाली छत पे नहीं होगा तो हम उसे उतार सकते हैं ठीक है, ऐसे हम उतार सकते हैं भाई दूसरों की पतंगों को लंगड़ मार के, ऐसे अगर हुक होगा तो बहुत ज़्यादा प्यार से आ जाएगी हमारे पास पतंग, अगर पत्थर वत्थर भी या लकड़ी बांध के निकालेंगे तो भी आ जाएगी। और भाई ध्यान रखना जब लंगड़ मारो तो कोई नीचे हो ना ठीक है, ऐसी जगह लंगड़ मारना जहाँ कोई आता जाता ना हो भाई। और